गुड मॉर्निंग क्लास। आज की क्लास में हम चैप्टर 6 मैं बादल हूँ के बारे में एक बार फिर से सुन लेंगे। वैसे ये चैप्टर हमने पढ़ लिया है, लेकिन इसके बारे में एक बार और से सुन लेंगे और रिवीजन कर लेंगे। तो क्या बताता है बादल? कि मैं बादल हूँ। और किस प्रकार से बताता है? मेरी आत्मकथा, वो अपने बारे में बता रहा था। बादल जो है अपने विषय में, अपने जीवन के विषय में बता रहा था कि मैं अपना परिचय क्या दूँ, मेरा रंग सांवला है और मैं पहले तुम्हें अपना परिचय देता हूँ। तो यही कहता है कि मेरा जो रंग है वो सांवला है और शरीर से मैं कैसा हूँ, मैं एकदम चिकना हूँ शरीर से, और चिकना भी हूँ मैं कई बार अपना रूप रंग बदलता हूँ। और बादल कैसा होता है? अपना रूप रंग बदलता रहता है। बादल कभी काला दिखाई देता है तो कभी आसमानी दिखाई देता है। तो यही बता रहा है कि मैं अपना रूप रंग हमेशा बदलता रहता हूँ, और जब मुझे क्रोध आता है तो मैं शेर की तरह दहाड़ता भी हूँ। जब मैं आंखें दिखाता हूँ तो लोग कहते हैं कि बिजली चमक रही है। तो जब मुझे क्रोध आता है और मैं आंखें दिखाता हूँ, मैं किसी को घूर रहा हूँ इस टाइप से, तो लोग क्या सोचते हैं? कि ये बिजली चमक रही है, बिजली चमकने की आवाज़ सुनाई देती है। वायु के साथ मैं सारे संसार में स्वच्छंद घूमता हूँ, और मैं क्या करता हूँ? हवा के साथ सारे संसार में आज़ादी के साथ घूम सकता हूँ, मुझे कोई रोक टोक नहीं है। और कहता है कि मैं बादल हूँ और मुझे बहुत सारे नामों से जाना जाता है। जो बादल के अनेक पर्यायवाची शब्द होते हैं ना, उन सब नामों से उन्हें जाना जाता है। अब मैं अपने घर परिवार के विषय में बताता हूँ। फिर अपने परिवार के विषय में बताता है बादल कि उसके परिवार में कौन कौन है। मैं सागर का पुत्र हूँ, तो क्या कहते हैं? मैं समुद्र का पुत्र हूँ, सागर जो है उसका मैं पुत्र हूँ। सूर्य पुत्री किरण मेरी माँ है, और जो सूर्य की पुत्री किरण है ना, वो मेरी माँ है। और क्या कहते हैं? सागर पुत्र होने का स्वभाव मैं उससे बिल्कुल भिन्न हूँ। मैं सागर का पुत्र जरूर हूँ, लेकिन स्वभाव से उससे बिल्कुल ही अलग हूँ, बहुत अलग हूँ मैं उनसे। तो क्या बताते हैं अपने विषय में? मेरे पिता खारे स्वभाव के। उसके पिता कैसे हैं? समुद्र कैसा होता है, उसका जल कैसा होता है? खारा, एकदम नमकीन। लेकिन बादल का जल कैसा होता है? वो शीतल होता है, अमृत की तरह मीठा होता है। तो वो भले ही सागर का पुत्र है, लेकिन उसका जल मीठा होता है। और वो किसको अपना मित्र कहता है? वो किसान को अपना मित्र कहता है, जो कि हमेशा उसका इंतज़ार करते रहते हैं, उसकी प्रतीक्षा करते रहते हैं। क्यों प्रतीक्षा करते हैं किसान? क्योंकि उनको खेतों में पानी देना होता है, जो उनकी फसलें होती है उसको अच्छे से उगाने के लिए क्या ज़रूरत होती है? जल की आवश्यकता होती है। तो ये उन्हें कौन दे सकता है? तो बादल दे सकता है। तो बादल उनके किसके समान है? मित्र के समान है, बहुत अच्छे उनके मित्र हैं। तो वो जो बादल का स्वभाव होता है वो कैसा होता है? परोपकारी, सब पर उपकार करने वाला होता है। वो स्वार्थी नहीं होता है कि मैं यहीं बस गिरूंगा, वहाँ नहीं गिरूंगा। बादल हर तरफ बराबर से समानता के साथ अपने जल को बरसाते हैं और सभी के मन को शीतल कर देते हैं। तो बादल का यही कार्य है। और वो किसानों के प्रति बहुत ही सहानुभूति रखते हैं, क्योंकि वो जो फसलों को उगाते हैं उसी से मानव जो है अपने पेट को भर सकता है। तो इसलिए बादल और किसान क्या है? मित्र के समान है। कभी कभी मुझे बहुत क्रोध भी आ जाता है, बताते हैं। और क्या होता है? मैं बहुत बरसता हूँ तो उससे क्या होता है? बाढ़ आ जाता है। तो इसका भी कारण क्या है? इसका भी कारण मनुष्य है। उसने पेड़ों को काटा है तो पेड़ जो है मिट्टी को रोक नहीं पाते हैं, तो वहाँ पे बारिश गिरती है और बाढ़ आ जाता है। तो इसका कारण भी कौन है? मनुष्य ही है। तो इसलिए बादल कहता है कि मैं सबके परोपकार के लिए बहता हूँ, लेकिन जो यहाँ प्रकृति के साथ खिलवाड़ करेगा तो मैं भी उसके साथ वैसा ही बर्ताव करता हूँ। तो आज की क्लास में हमने पढ़ा मैं बादल हूँ।